अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी कंडे यूट्यूब चैनल विलेज फूड किचन इरफान बेग की खिदमत हाजिर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज असीं तुहाडे लई रेसिपी लैके आए ईद रेसिपी है। ईद वाले रंग बिरंगियां सेवियां, दुध वाले सेवियां किस तरह पकदियां ने, मज़ेदार किस तरह बनदियां ने, आओ असीं तुहानूं दस्सने आं। दुध वाली सेवियां किस तरह रंग बिरंगियां, उन्हां किहड़े किहड़े लवाजमात पा के पकाईआं जांदियां ने, स्पैशल ईद रेसिपी है। मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना, लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स च इसका लिंक शेयर करना, बैल आइकन नूं जरूर दबाना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं सारिआं दे पहलों तुहानूं मिल सके। आओ असीं तुहानूं दस्सने आं कि रंग बिरंगियां दुध वाली सेवियां किस तरह बनदियां ते किहड़े किहड़े लवाजमात इस्तेमाल करके असी मज़ेदार रंग बिरंगे ईद लई स्पैशल सेवियां बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पहले असी 1.5 किलो खालस दुध लेना है, 5 छुआरे लेने ने जिन्हां नूं असी इस तरह बरीक बरीक कट लिया, बदाम लेने ने उन्हां नूं इस तरह छिलके उतार लेने ने। यह रंग बिरंगियां सेवियां ने, बाजारों आम मिल जांदियां ने, इन्हां नूं असी पकाना है। तकरीबन 2 कप ने और 1 कप असी चीनी इस्तेमाल करनी है, मेवा इस्तेमाल किया है और गरी ने सब बरीक बरीक कट लेना है। छुआरे असी बरीक बरीक छुरी की मदद नाल कट लेने, चंद पीस पिस्ते दे और काजू भी इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। और इसे तुम दस रहे कि इन्होंने किस तरह पकाना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 किलो पानी लेने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी साढ़ा गर्म हो चुके है, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेवियां असी इस पानी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक उबाला आने से असी इन डंप देने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 से 7 मिनट पानी च असी इन्हों पका लिया, हम असी इसके अंदर दुध इस्तेमाल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाल ही दे चीनी इस्तेमाल करने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उबाला आने से असी इनू डाम के रख देने थोड़ी देर लई, जिन्नी देर उबाला आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबाला हड्डियाँ से भी अच्छी तरीके आ चुके हैं, हल्की आँच उत्ते 15 मिनट इसनों सेवियां असा दुध के अंदर पकाना है, अच्छे तरीके पक सकन। पानी के अंदर इन्होंने इस तरीके पहले पकाना सी ताकि अच्छे तरीके गल सकन पानी के अंदर। तुम पानी ना भी इस्तेमाल कर नहीं कर सकते, तुम दुध के अंदर भी इन्हों पका सकते हो, लेकिन उस तरीके हाँ फिर दुध तकरीबन 2 किलो उत्ते लगना सी। दुध हाँ को 1.5 किलो खालस ही अभी खालस दुध इस्तेमाल किया है। स्पेशल मिठी दी मिठी रेसिपी है और इन आस्ता आस्ता खिलाते भी जाना है ताकि लग ना सकन। सेवियां हड्डियां अच्छे तरीके बेहतरीन तैयार हो गई ने, और इस अंदर गरी बादाम काजू सौंगी और छुआरे जो कटे हुए पीस हैं इस इस्तेमाल करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ असी गार्निश लिए रख लेने, कुछ असी इस इस्तेमाल कर लेने। बहुत ही अच्छे तरीके की साड़ी सेवियां रेसिपी मिठी ईद लई बहुत अच्छे तरीके तैयार हो चुकी है। और मैं कमेंट बॉक्स दसना कि तुहानू साड़ी रेसिपी कैसी लगी है। ईद रेसिपी अपने घर बनाना अपने घर बहुत ही ज़्यादा तरीका घर आसान है, बनाना कोई मुश्किल नहीं, घर बना के खा के तो मैं कमेंट बॉक्स दसना तो तुहानू साड़ी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश ईद लई हाड़ी तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है हाड़ी स्वीट डिश सेवियां रंग बिरंगियां। तो अपने घर जरूर ट्राई करना, इस ईद वाले दिन बना के या ईद दूसरे बना के जरूर ट्राई करो। मैं कमेंट बॉक्स दसना कि तुहानू साड़ी रेसिपी किस तरह की लगी है। बहुत ही मज़ेदार हाड़ियाँ सेवियां तैयार हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह साड़ी ईद रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज मिठी ईद की मिठी डिश तैयार की है, रंग बिरंगियां सेवियां।
ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਾਮਾ ਲਈ ਕੈਸੀ ਬਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰੈਸਿਪੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆ ਰੈਸਿਪੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਇਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਇਸਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਫਾਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮੀਨਾ ਸਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।